जानकी जी जी आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? वो आपके नेकलेस का ईमेल लेना था ना। मेरा नेकलेस? यहाँ सास इतनी बीमार है, घर में पैसा नहीं है, और ये है कि बस इनको अपने लिए नेकलेस बनवाने हैं। एक मिनट चाची। भाई साहब आप जाइए, हम आपके पैसे घर पे भिजवा देंगे। मैंने तो कोई नेकलेस ऑर्डर नहीं किया था। क्या तुम किसी पार्टी पे गई थी? हाँ, क्यों? ये जानते हुए भी कि माँ की तबीयत खराब है तुम पार्टी करने गई थी। लेकिन हम लोग जब यहाँ से गए थे तब मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी, और अगर मंदिर न जाना पड़ता तो हम लोग शायद और। माँ को 103 बुखार था, तबीयत खराब है उनकी, और तुम बाहर घूम रही हो। मुझे नहीं पता था मम्मी जी को इतना तेज बुखार है। जानकी अगर घर में रहोगी तो पता चलेगा ना कि माँ को बुखार है। और ये ज्वेलरी का क्या किस्सा है? नहीं समीर, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई जेवर नहीं खरीदा है। और जो हर महीने हम घर खर्च देते हैं, तुमने वो माँ को क्यों नहीं दिया? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मम्मी जी, आपको याद है ना, मैंने आपको 1 तारीख को पूरे 10,000 रुपए दिए थे, और सबसे ऊपर वाले नोट पर ओम साई लिखा था। जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है समीर, हम तीनों ने घर खर्च के लिए पैसे दिए थे। समीर हो सकता है शायद ये भूल गई हो। कहाँ जानकी बेटा? चाची इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है? अरे बेटा खामखा जानकी पर नाराज क्यों हो रहे हो? उसकी पर्स चेक कर लो ना, अगर होंगे तो मिल जाएंगे, है ना बेटा? हाँ समीर। देखो दिखा दो सबको कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं देखती हूँ।